आज की इस ईसीजी क्लास के बाद आप ईसीजी में हार्ट रेट काउंट करने गिनने में एक्सपर्ट होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपको ईसीजी की क्लास 3 में और आज हम ईसीजी की इंटरप्रिटेशन यानी ईसीजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट क्लास का कोई भी हिस्सा मिस ना करें और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आइए ईसीजी की इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईसीजी में हार्ट रेट कैसे काउंट किया जाता है। हार्ट रेट दरअसल हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। हमारे वेंट्रिकल्स की चार्जिंग को मेनली आर वेव शो करती है, तो हम आर वेव को ईसीजी में काउंट करके इजीली हार्ट रेट निकाल सकते हैं। हार्ट रेट यानी एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार बीट करता है, अगर हमें काउंट करना है तो हम या तो एक मिनट की पूरी लंबी और बड़ी ईसीजी स्ट्रिप ले लें और उसमें बैठ के आर वेव को गिनें और फिर बताएं कि एक मिनट में इतनी बीट्स पर मिनट ये पेशेंट का हार्ट बीट कर रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल और अनोइंग हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी ईसीजी स्ट्रिप्स हम बार बार निकाल नहीं सकते और काउंट नहीं कर सकते। तो आसान तरीका क्या है, मोस्ट इजी और प्रैक्टिकल तरीका है कि हम पेशेंट्स की 6 सेकंड की रिदम स्ट्रिप में आर वेव को काउंट करके जो भी नंबर आए तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। समझ नहीं आया, आइए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ईसीजी में रिदम स्ट्रिप, जैसे इस एग्जांपल में V5 रिदम स्ट्रिप है, सबसे पहले हम 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट कर लेंगे। 30 लार्ज बॉक्सेस यानी 6 सेकंड की ईसीजी की स्ट्रिप। अब हम इसे मार्क करेंगे और इन 6 सेकंड्स में यानी 30 लार्ज बॉक्सेस के अंदर जितनी भी आर वेव्स हैं उन्हें काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी 30 लार्ज बॉक्सेस के अंदर जितनी भी आर वेव्स हों उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 60 सेकंड्स के अंदर हार्ट रेट आ जाएगा। ये रिदम रेगुलर और इरेगुलर। फॉर एग्जांपल, ये ईसीजी की रिदम स्ट्रिप है 6 सेकंड की। अब यहाँ आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चले कि ये 6 सेकंड की रिदम स्ट्रिप है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमारी ईसीजी ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड होती है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन पे जो ईसीजी मशीन की स्पीड होती है उस हिसाब से हमारा ईसीजी का एक जो लार्ज बॉक्स होता है, हमारा एक लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड यानी 200 मिली सेकेंड का होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ईसीजी का एक लार्ज बॉक्स हमारा 0.2 सेकेंड का है तो 5 बड़े बॉक्सेस हमारे जो है वो होंगे 1 सेकेंड के। इसका मतलब है कि हम अगर 30 लार्ज बॉक्सेस की ईसीजी स्ट्रिप लेंगे, 30 बड़े बॉक्सेस की ईसीजी स्ट्रिप लेंगे तो हमारे पास 6 सेकेंड ईसीजी स्ट्रिप आ जाएगी। अब आपको समझ आया कि 6 सेकेंड की ईसीजी स्ट्रिप कैसे लेनी है, और दूसरा, मशीन खुद ही हर 3 सेकेंड पर मार्क भी लगा देती है जिससे आप बड़ी आसानी से 6 सेकेंड स्ट्रिप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 6 सेकेंड की ईसीजी स्ट्रिप आपने लेनी है रिदम स्ट्रिप, या 30 लार्ज बॉक्सेस आपने लेने हैं और उसमें आपने काउंट करनी है आर वेव। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर वेव काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी ये पहली हमारी जो रिदम स्ट्रिप है 6 सेकेंड्स की, इसमें 11 आर वेव्स हैं। अब हम इस 11 आर वेव्स को 11 × 10 इज इक्वल टू, यानी हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हार्ट रेट आ जाएगा 110। सिंपली हम 11 के आगे 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने 6 सेकंड की स्ट्रिप ली है। अब हमें इसे 10 गुना बड़ा करना है तो ये पूरे 1 मिनट की ईसीजी हो जाएगी, क्योंकि हमें 60 मिनट्स में हार्ट रेट काउंट करना होता है। तो 6 सेकंड की स्ट्रिप में जितनी भी आर वेव्स आपको मिले आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो आपके पास इजीली 60 सेकंड की हार्ट रेट काउंट होके आ जाएगी। जैसे हमने अभी किया, हमने आर वेव काउंट की 6 सेकंड स्ट्रिप में और उसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 110 आ गया हमारे पास। या फिर सिंपली आप 11 के आगे सिर्फ 0 लगा दें या जो भी नंबर आता है उसके आगे 0 लगाते हैं तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। एक तो हार्ट रेट काउंट करने का ये हमारे पास सबसे आसान और बुनियादी तरीका है। लेट्स प्रैक्टिस।
नीचे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक सिनेरियो, ये ईसीजी है 6 सेकंड की रिदम स्ट्रिप। अब जरा आप गौर से देखिए इस 6 सेकंड की रिदम स्ट्रिप के बीच में आर वेव्स कितनी है। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। जी हाँ, काउंट कीजिए। अब इस 6 सेकंड की रिदम स्ट्रिप में जितनी आर वेव्स है, अगर हम उसके आगे जीरो लगा देंगे या उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। जी, तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है कि आपने 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप ले लेनी है, यानी 30 बड़े बॉक्सेस की ईसीजी स्ट्रिप ले लेनी है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है जितनी भी आर वेव्स उसमें आ रही हैं, तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। ये तो था पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे सिंपल तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में आपको जितने भी बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं ईसीजी की दो आर वेव्स के बीच, ये मैंने एक रफ ड्राइंग बनाई है आपको समझाने के लिए। अभी एनिमेशन में आपको उसकी एग्जांपल भी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ईसीजी थी और हमने ये देखा कि दो आर वेव्स, यानी ये आर वेव और ये आर वेव, इसके बीच में बड़े बॉक्सेस कितने हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दो बड़े बॉक्सेस हैं, तो हम 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस करेंगे तो हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस वाली एग्जांपल में हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय दो बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं दो आर वेव्स के बीच में, ये एक आर वेव है और ये एक आर वेव है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हार्ट रेट हमारा आ जाएगा 150 बीट्स पर मिनट। ये भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, यानी दो आर वेव्स के बीच में जितने बड़े बॉक्सेस होंगे आपने बस वो काउंट करने हैं, 300 को डिवाइड कर देना है उस नंबर से जितने बॉक्सेस हैं, तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। अब यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि ये 300 आखिर क्यों, हम 300 को ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो उसका जवाब है ये, जी हाँ, एक मिनट की ईसीजी स्ट्रिप में, यानी 60 मिनट की ईसीजी स्ट्रिप में हमारे पास जो बड़े बॉक्सेस होते हैं वो 300 होते हैं। जैसे हमने देखा 6 सेकंड ईसीजी स्ट्रिप में हमारे पास बड़े बॉक्सेस थे 30, इसी तरह पूरी एक मिनट की ईसीजी पेपर में हमारे पास बड़े बॉक्सेस होंगे 300। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने क्या करना है, दो आर वेव्स के बीच, और ये रेगुलर रिदम के लिए है, रेगुलर रिदम के लिए दो आर वेव्स के बीच में बड़े बॉक्सेस को काउंट करना है और 300 को डिवाइड कर देना है उस नंबर से जितने भी बॉक्सेस आए दो आर वेव्स के बीच, तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। नीचे देखिए, अभी इस ईसीजी स्ट्रिप के अंदर दो आर वेव्स के बीच में कितने बड़े बॉक्सेस हैं, 1 2। जी हाँ, दो आर वेव्स के बीच में दो बड़े बॉक्सेस हैं, इसका मतलब है 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150 बीट्स पर मिनट। आइए दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। जरा इस ईसीजी को देखिए, यहां पे दो आर वेव्स के बीच में कितने बड़े बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, यानी अब हम क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर वुड बी 75 बीट्स पर मिनट। जी हाँ, इसी तरह से डिफरेंट ईसीजीज लेके आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, हार्ट रेट बार बार निकालना होगा और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आइए दोबारा क्विकली रिवाइज कर देते हैं कि हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। फॉर इरेग्युलर एंड रेगुलर बोथ रिदम्स, दोनों रिदम्स के लिए आपने 6 सेकंड ईसीजी स्ट्रिप लेनी है, यानी 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप लेनी है और उस 6 सेकंड की ईसीजी स्ट्रिप में आर वेव काउंट करनी है। हर आर वेव, याद रखिए, हार्ट बीट को शो करती है, हार्ट बीट को जाहिर करती है ईसीजी पेपर पे। तो जितनी आर वेव 6 सेकंड में आप काउंट करें उनके आगे जीरो लगा दें या फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 6 सेकंड स्ट्रिप के अंदर आर वेव जो थी हमने काउंट की 11 थी, तो हमने 11 के आगे जीरो लगा दिया तो हमारा हार्ट रेट आ गया। इरेग्युलर और रेगुलर दोनों रिदम्स के लिए ये रूल बहुत अच्छा है। और दूसरा जो रूल है वो है
कि आपने किसी भी रिदम स्ट्रिप में दो आर वेव के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस देखने हैं, बड़े बॉक्सेस, और फिर जितने भी बड़े बॉक्सेस हैं आपने 300 को डिवाइड कर देना है उन बॉक्सेस के नंबर से और आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ दो आर वेव के बीच में ये दो आर वेव है, एक और ये दो, इसके बीच में ये दो बड़े बॉक्सेस हैं, तो हमने क्या किया 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150। तो यहां हमारा हार्ट रेट इस रिदम स्ट्रिप में 150 बीट्स पर मिनट हुआ। इससे हार्ट रेट बताना बहुत इजी होता है। जरा नीचे प्रैक्टिस कीजिए कि अगर दो आर वेव्स के बीच में एक ही बॉक्स का डिफरेंस हो, यानी एक ही बड़ा बॉक्स हो, तो हार्ट रेट कितना होगा 300 बीट्स पर मिनट, और अगर दो बड़े बॉक्स हो तो हार्ट रेट होगा 150 बीट्स पर मिनट, तीन बड़े बॉक्स हो तो हार्ट रेट होगा 100 बीट्स पर मिनट, चार बड़े बॉक्सेस हो तो हार्ट रेट होगा 75 बीट्स पर मिनट, और इसी तरह से जितने बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे आर वेव के बीच हार्ट रेट उतना कम होता जाएगा। आपने जस्ट रेगुलर रिदम्स में बड़े बॉक्सेस का नंबर काउंट करना है कि कितने बड़े बॉक्सेस हैं दो आर वेव के बीच, 300 को उससे डिवाइड कर देना है जितने भी बॉक्स हैं, तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। आगे आने वाली क्लासेस में हम ECG इंटरप्रिटेशन को और आगे बढ़ाएंगे और ये क्लासेस आगे मजीद इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो तब तक के लिए गौर से लेक्चर्स को सुने, नॉलेज को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।